सो हाई वेलकम टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में जो कि वी का टेक्निकल कैंपस का एक पार्ट है राइट बिकॉज मैं जब दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस गूगल पे सर्च कर रही थी तो साइड में लिखा आ रहा था वी टेक्निकल इंस्टीट्यूट तो मैंने uh, क्वेश्चन जिन स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया उनसे पूछा तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्पेसिफिक बी स्कूल सो लेट्स गेट स्टार्ट अगर हम बात करें इस कॉलेज के रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी बी स्कूल देख रहे होते हैं हमारी लिस्ट में और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं बिकॉज़ ज़्यादातर कॉलेजेज़ जो एन में हैं उनके एवरेज पैकेजेस साढ़े छः सात के बीच में रहते हैं राइट अब साढ़े छः सात लाख के बीच में पैकेजेस होते हैं तो हम ये देखते हैं कि अच्छा किस तरह की कंपनीज़ आ रही हैं या फिर मेरी लिस्ट में और कौन से ऑप्शंस हैं कहाँ पे मुझे एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है तो ऐसी कुछ बेसिक आपके बाइफर्केशन की वजह से आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं तो अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है बिकॉज पे मैं इन जनरल डेली स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में बात कर रही हूं बट आई एम हंड्रेड परसेंट कंफ्यूजन डेली स्कूल ऑफ बिजनेस नहीं मेरे पास जो लिस्ट में कॉलेजेस हैं उनमें से कौन सा कॉलेज चाहिए आसपुर में प्रोफाइल ये ज्यादा होता है तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं सो दिस इज बेसिकली द कैंपस ये प्रीतमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में है मेन रोड पे ये कॉलेज लोकेटेड है सिचुएटेड है 2011 का है तो ऑलमोस्ट बारह साल पुराना कॉलेज है बाकी सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो पीजीडीएम ऑफर करता है सिक्स टर्म्स में दो साल के अंदर जिसमें मार्केटिंग फिनाचआर एनालिटिक्स ऑपरेशन आई ये सारी चीजें रहती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सिक्स uh, टर्म्स में दो साल का एक इनका पीजीडीएम का फिनटेक प्रोग्राम भी है एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सारे ही एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करता है आपको एज सच कोई कट ऑफ रिक्वायर्ड नहीं है आपका इंटरव्यू होता है एंड इसके बेसिस पे कही कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है मैंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू टमिशन इन टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में कई सारे पैरामीटर्स लिखे हैं बट ऑल एंड ऑल अब जैसे टेंथ में फाइव मार्क्स सेवेंटी फाइव आई थिंक फाइव फाइव ही होगा मतलब यहाँ सेवेंटी फाइव लिख दिया है फाइव फॉर ट्वेल्थ ग्रेजुएशन फाइव थर्टी फॉर कैट जैट वी आई ट्वेंटी फाइव केस डिस्कशन टेन केस राइटिंग फाइव आई मैंने ऐसे करके टोटल हंड्रेड मार्क्स का कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है बट मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि यार दस में से आई थिंक आठ नौ बच्चों का हो जाता है अनलिस एंटल वो बच्चा एकदम कॉम्स में गधा हो उसके अलावा बाकी केसेस में जो है वो कहीं ना कहीं हो जाता है तो में बात करें पीजीडीएम कराता है नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फीस है जो स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी ही हीशन कि नाइन लाख फीस थी तो बिकॉज फर्स्ट ईयर के के स्टूडेंट्स हैं और उनको स्कॉलरशिप भी मिली थी तो उनको एट लाख नाइन्टी थाउजेंड की फीस जो है वो कहीं ना कहीं कही पड़ रही थी बट यहाँ पे जो अभी आई थिंक हर साल फीस बढ़ती है तो नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की फीस है जिसमें हॉस्टल वगैरह इंक्लूडेड नहीं है जिस कॉलेज में पूजा जाएगी मैं भी उसी कॉलेज में जाऊंगा उस कॉलेज में नहीं जा सकते। क्यों? क्या टीचर्स नहीं है टीचर्स है वहाँ एम बी ए नहीं होता है क्या MBA भी होता है लेकिन बस तो हो गया फाइनल मैं वही जाऊंगा तुम उस कॉलेज में नहीं जा सकते राजू गर्ल्स कॉलेज है हॉस्टल so uh, का मैं आपको अंदाजन बता रही हूँ जितने बच्चों से बात किया उनकी फैमिली ही वहीं रहती है आस पास तो उनको हॉस्टल की जरूरत नहीं पड़ती है बट ऑन एन एवरेज आप दस बारह पंद्रह हजार के से ज्यादा का मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं है दिस इज बेसिकली कैंपस लाइफ राइट right, uh, जो कॉलेज में आपको मिलेगी प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो प्लेसमेंट से पहले मैं कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करती हूँ थोड़ा सा यू नो मैनेजमेंट को लेके यू नो स्टूडेंट्स का कहना है कि उतना प्रॉपर नहीं है सेकेंडली यू नो आई थिंक मैंने एम डी वी आई मुर्शिदाबाद पर भी इससे पहले वीडियो बनाया था वहाँ पर मैंने संडे क्लासेज मैंशन कर दी थी वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो हो गया था संडे में क्लासेस संडे को क्लासेस यहाँ होती है बिकॉज कई बार यू you नो know, आपका बैच मतलब आपका सिलेबस टर्म तक नहीं कंप्लीट हुआ तो आपकी क्लासेस संडे को भी है तो वो अगेन थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेके कोई ना कोई इशू है उसके अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है कॉलेज के अंदर राइट right? देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो फैकल्टीज़ जो हैं वो ठीक है दो मंथ की इंटर्नशिप कराता है एक दो मंथ का लाइफ प्रोजेक्ट्स रहते हैं और एवरेज पैकेज सेवन पॉइंट सिक्स का क्लेम कर रहे हैं बट मीडियम पैकेज ज़्यादातर बच्चों का जो है वो 6 लाख ,00 के आसपास का है और एवरेज अगर आप देखोगे तो फिर वो सात लाख ,00 के आसपास का हो गया हाइएस्ट नाइन्टीन पॉइंट फोर फोर मैंशन कर रहे हैं इसका इसका स्टूडेंट्स को तो जो फर्स्ट ईयर के थे उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था तो आई वुड बी एबल टू तो कमेंट ऑन दिस मीडियम पैकेज जो है वो सिक्स लाख के आसपास का है ये सारे रिक्रूटर्स हैं बट रिक्रूटर्स के साथ साथ ये कॉलेज ए के साथ साथ ए भी है मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में स्टूडेंट से पूछा था कि आप ये कॉलेज रिकमेंड करोगे तो उसका यही कहना था जो सेम क्वेश्चन मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि लिस्ट में और भी बहुत सारे कॉलेजेस होंगे और उनमें से इसको कहाँ रखना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेना है बट स्टूडेंट <coughs> ने बोला कि मुझे आस पास ही कॉलेजेस चाहिए थे और ये कॉलेज ए था बिकॉज मेरा फ्यूचर का प्लान जो है वो पी का है सो दैट इज़ द रीज़न ही ऑप्टेड फॉर दिस स्पेसिफिक कॉलेज बट अगेन आपका क्या डिसीजन है आपका क्या थॉट प्रोसेस उसके हिसाब से लेना है ओवरऑल मेरे हिसाब से छः लाख साढ़े छः लाख के बजट एवरेज पैकेजेस बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको ऑल इन ऑल देखना है कि उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कंपनीज में फाइनेंस की कंपनीज फाइनेंस ठीक है मार्केटिंग ठीक है बाकी स्पेशलाइजेशन जो है वो से कम है ये सारे रिक्रूटर्स हैं अब यूजली क्या होता है बच्चा जब रिक्रूटर देखता है लेकिन डिलोइ आई गोल्ड मिनस तो जब रिक्रूटर्स की बात होती है तो वो ओवरऑल रिक्रूटर्स मेंशन करते हैं जैसे मेरे साथ एक बच्चा पूछता है कि मैंने कंपनी में देखा कॉलेज में देखा कि पीडब्ल्यूडी और मैंने बच्चों से बात की तो लास्ट ईयर पीडब्ल्यूडी नहीं आई थी तो यूजुअली बच्चे यहाँ कन्फ्यूज जाते हैं कि अगर दस साल में भी लेट्स से गोल्डन सेश आई है तो वो कहीं ना कहीं लोगों में मैंशन होती है कि ये हमारे रिक्रूटर्स हैं इट डजेंट मीन्स कि ये सिर्फ लास्ट ईयर की बात कहीं ना कहीं हो रही है पी है एम है ब्रिटानिया है ब्लिकेट है ये सारे क्लब्स हैं एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड आई अगेन सजेस्ट यू वन थिंग आई मीन आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप टोटल देखोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा पैकेजेस सेम बजट में थोड़े ज़्यादा पैकेजेस वाले कॉलेजेस मिल सकते हैं राइट बट अगेन आपका क्या कंसर्न है कॉलेज को लेने का आपको ए आई यू चाहिए आपको प्लेसमेंट चाहिए आपको मतलब एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए आपको कॉलेज लाइ चाहिए इस बेसिस पर डिसीजन लेना जो है वो आपको है एंड कोई भी अगर आपको हेल्प लगती है नीचे जो फॉर्म का लिंक दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं दिस इज मी आर्शी खान साइनिंग ऑफ मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.